दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें और हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं आप किस राज्य और किस शहर से हैं, जिससे कि हम आपके राज्य और आपके शहर की हर न्यूज आप तक भेज सकें। तो दोस्तों बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर है कि ओवैसी बोले एयर स्ट्राइक को लेकर राजनीति बंद हो, आतंकवाद के खिलाफ मैं पीएम मोदी के साथ खड़ा हूँ। जी हाँ दोस्तों, भारतीय वायुसेना द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में की गई कार्रवाई को लेकर देश में जबरदस्त राजनीति हो रही है, लेकिन इसी बीच अब ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है और हर वक्त पीएम मोदी की आलोचना करने वाले ने उनके साथ खड़े होने की बात कही है। ओवैसी ने एयर स्ट्राइक को लेकर हो रही राजनीति बंद करने को भी कहा। हर वक्त मोदी सरकार की आलोचना करने वाले ओवैसी ने अब एयर स्ट्राइक पर पीएम मोदी के साथ खड़े होने की बात कही है। जी हां, ओवैसी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा कि वह आतंकवाद के खिलाफ पीएम मोदी के साथ खड़े होने की बात कही है। वहीं इसके बाद इस मामले को लेकर देश में राजनीति भी अपने चरम पर है। पुलवामा में शहीद हुए जवानों के बाद वायुसेना की तरफ से की गई कार्रवाई के बाद से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। जहां विपक्ष एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं अब एक और शहीद की मां ने एयर को लेकर सवाल खड़े किए हैं। जम्मू कश्मीर के नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने अब एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल खड़े किए हैं। वह कहते हैं कि हमने उनका एक प्लेन शूट किया है। अमित शाह जो कहते हैं 300 लोग मारे गए, इसका प्रमाण कहां है? आगे अब्दुल्ला कहते हैं, अगर आप पूछते हैं तो आप देश के खिलाफ हैं। समय आ गया है कि आपको सवाल पूछना चाहिए। जाहिर है यह कोई पहला मामला नहीं है जब एयर स्ट्राइक को लेकर सवाल किए गए हैं। विपक्ष से लेकर हर कोई इस पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन आज सरकार को इस मिशन और स्ट्राइक के सबूत पेश किए गए हैं तो जो रडार से कैप्चर किए गए थे। मोदी और इमरान की मिलीभगत से हुआ पुलवामा। आपको बता दें कि पुलवामा हमले के बाद से लगातार कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पुलवामा में आत्मघाती हमले को लेकर कांग्रेस महासचिव का विवादित बयान सामने आया है, जिसके बाद काफी हलचल मच गई है। आपको बता दें कि कांग्रेस के महासचिव हरि प्रसाद ने पीएम मोदी पर बेहद विवादित टिप्पणी की है। हरि प्रसाद ने कहा है कि इस हमले में पीएम मोदी और इमरान खान की मिलीभगत रही है। इन दोनों नेताओं के मिले बिना इतना बड़ा हमला संभव नहीं है। एयर स्ट्राइक की तस्वीरें रडार और सैटेलाइट में कैद हैं। पुलवामा हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक कर आतंकियों की नापाक हरकत का बदला लिया। वहीं इस बदले के बाद हर कोई वायुसेना की तारीफ करता नजर आ रहा था। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा इस बदले को राजनीतिक रूप देने के बाद विपक्ष में जमकर हमला बोला और राजनीति करने का आरोप लगाते हुए सबूत मांगे। ऐसे में अब सरकार को इस मिशन की सभी पूरी दस्तावेज और तस्वीरें दे दी गई हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि लोकसभा चुनाव 2019 के लिए कांग्रेस ने जारी की पहली लिस्ट। सोनिया गांधी रायबरेली से लड़ेंगी चुनाव। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव 2019 के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। खास बात यह है कि यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी रायबरेली से चुनाव मैदान में उतरेंगी। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और उनके बेटे राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से ही चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि जिन 15 उम्मीदवारों की कांग्रेस ने पहली लिस्ट जारी की है, उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कई बड़े नेताओं के नाम शामिल हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किए 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के नए सिक्के। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए और 20 रुपए के नए सिक्के जारी किए, जिससे दृष्टिहीन दिव्यांग भी आसानी से पहचान सकेंगे। देश में पहली बार 20 रुपए के सिक्के जारी किए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इन नए सिक्कों की दृष्टिहीन दिव्यांग की सुगमता से पहचान कर सकते हैं। मोदी ने दिव्यांगों की मौजूदगी में इन सिक्कों को जारी किया। इन नए और पुराने सिक्कों में अंतर आसानी से किया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी भी खबरें निकल कर आ रही हैं कि कोई भी पाकिस्तान को बल प्रयोग से या इसकी धमकी देकर झुका नहीं सकता। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने बृहस्पतिवार को कहा कि कोई भी उनके देश को ताकत के इस्तेमाल से या इसकी धमकी देकर झुका नहीं सकता। उनका यह बयान पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के तनाव बढ़ने के बीच आया है। उन्होंने शीर्ष सैन्य कमांडरों के साथ स्थिति की समीक्षा करते हुए यह बात कही। सरकारी रेडियो पाकिस्तान के अनुसार जनरल
बाजवा ने रावलपिंडी में 219 वी कोर के कमांडरों के सम्मेलन में किसी भी धमकी का जवाब देने के वास्ते तैयार रहने को लगातार सतर्क रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, पाकिस्तान शांति, स्थायित्व और प्रगति के सकारात्मक मार्ग पर है। कोई भी हमें ताकत के इस्तेमाल के माध्यम से या उसकी धमकी देकर झुका नहीं सकता। कमांडरों ने किसी भी दुस्साहस या आक्रमण से देश को बचाने के लिए दृढ़ इच्छा, निश्चय और संकल्प प्रकट किया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को जैश ए मोहम्मद के आत्मघाती हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान के शहीद हो जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव का माहौल बहुत बढ़ गया है। भारत ने 26 फरवरी को बालाकोट में आतंकवाद निरोधक अभियान चलाया। इसके अगले दिन पाकिस्तानी वायुसेना ने जाबाजी कार्रवाई और हवाई संघर्ष में MiG-21 को गिराया एवं उसके पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पकड़ लिया। वर्धमान को 1 मार्च को भारत को सौंप दिया गया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि क्या राहुल को वायुसेना और कैग पर भरोसा नहीं। राफेल मामले में राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने बृहस्पतिवार को कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष को वायुसेना और कैग पर भरोसा नहीं है तो क्या वो पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं से कहा कि वे इस मामले राफेल में राहुल गांधी के झूठ की निंदा करते हैं। उन्हें भारतीय वायुसेना पर भरोसा नहीं है, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक उच्चतम न्यायालय पर भरोसा नहीं है। उन्होंने सवाल किया है कि क्या वह पाकिस्तान पर भरोसा करना चाहते हैं। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे से जुड़े दस्तावेज रक्षा मंत्रालय से चोरी होने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा और दावा किया कि यह स्पष्ट रूप से भ्रष्टाचार का मामला है और इसके लिए प्रधानमंत्री के खिलाफ जांच एवं कार्रवाई होनी चाहिए। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने इस बारे में अपने ट्वीट में कहा कि यह पीसी था, देखते देखते पीसी गायब हो गया और 2019 में कांग्रेस गायब हो जाएगी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भारत के इतिहास में सबसे छोटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का गिनीज या लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाने निकले हैं। पात्रा ने कहा कि नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के विस्तार के सामने राहुल गांधी की संक्षिप्तता परस्पर विरोधी है। क्या राहुल को पाकिस्तान के सर्टिफिकेट की जरूरत? भाजपा बोले, राफेल मामले में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधने पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भाजपा ने बृहस्पतिवार को सवाल किया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि योजना आयोग की पुरानी अनुशंसा लागू कर रही है मोदी सरकार। केंद्रीय कृषि व किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा है कि योजना आयोग की पुरानी अनुशंसा को मोदी सरकार लागू कर रही है। देश के 55 बड़े जिलों में सभी बड़े जिलों में 2-2 केवी के खोला जा रहा है। बिहार में 6 जिलों में 2-2 नए कृषि विज्ञान केंद्र खोलना है। केवीके में नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी कर दी गई है। प्रत्येक केवीके में कम से कम एक महिला वैज्ञानिक रखने का भी प्रावधान किया गया है। गुरुवार को बामेती में उन्होंने राज्य के कृषि मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार के साथ मुजफ्फरपुर, मधुबनी, समस्तीपुर और बेतिया के केवीके का शिलान्यास किया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पुलवामा जैसे एक और हमले की फिराक में जैश ए मोहम्मद, सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले और उसके बाद दोनों देशों में बढ़ते तनाव के बाद भी पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद पुलवामा हमले की तर्ज पर ही दूसरे बड़े हमले की फिराक में है और इसके लिए तैयारी कर रहा है। एक तरफ जहां पाकिस्तान आतंकी संगठनों पर लगाम लगाने का दुनिया के सामने दिखावा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो भारत के लिए खिलाफ आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर की मदद से भारत में एक बार फिर पुलवामा दोहराने की साजिश कर रहा है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक पाकिस्तान स्थित यह आतंकी संगठन इस बार फिर सुरक्षा बलों को ही निशाना बनाने का षड्यंत्र रच रहा है। खुफिया एजेंसियों ने जैश के किसी आतंकी हमले को लेकर सुरक्षा एजेंसियों को पहले से कई गुना ज्यादा अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक जैश के आतंकी काजीकुंड और अनंतनाग में IED के जरिए ही सेना और अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जैश के आतंकी आने वाले 3-4 दिनों में इस तरह के आतंकी हमले को अंजाम दे रहे हैं। 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद ने आतंकी हमला किया जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे।
जी हाँ, अगली बड़ी खबर आ रही है कि पीएम मोदी शुक्रवार को यूपी में कई विकास योजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के अपने दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री सबसे पहले अपने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे। वहां वह काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर संपर्क मार्ग के आधारशिला रखेंगे। बाद में प्रधानमंत्री दीनदयाल हस्तकला संकुल में राष्ट्रीय महिला आजीविका सम्मेलन 2019 में शिरकत करेंगे और उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। मोदी वाराणसी से कानपुर जाएंगे, जहां वह पनकी ऊर्जा संयंत्र और 660 मेगावाट बिजली उत्पादन एवं वितरण इकाई का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री कानपुर से ही वीडियो लिंक के जरिए लखनऊ मेट्रो रेल परियोजनाओं के द्वितीय चरण के तहत हुए निर्माण कार्य का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा मोदी अगर आगरा मेट्रो रेल परियोजनाओं का शिलान्यास करने के बाद जनसमूह को संबोधित करेंगे। मोदी उसके बाद गाजियाबाद जाएंगे, वहां दिलशाद गार्डन शहीद स्थल नया बस अड्डे के पास लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वह शहीद स्थल स्टेशन से मेट्रो रेल को हरी झंडी भी दिखाएंगे। प्रधानमंत्री हिंडन एयरपोर्ट सिविल टर्मिनल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके अलावा वह दिल्ली गाजियाबाद मेरठ हाई स्पीड RRTS परियोजना का शिलान्यास करेंगे। वह गाजियाबाद में शिक्षा, पेयजल, साफ सफाई, आवास तथा सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी कई परियोजनाओं का लोकार्पण करने के बाद जनसभा को संबोधित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर एक और है कि पाकिस्तान में वायुसेना के पायलट अभिनंदन के साथ हुआ था यह सब। वायुसेना के पायलट विंग कमांडर से पाकिस्तान में खुफिया जानकारी निकलवाने की पूरी कोशिशें की गई थी। पूरे मामले के वाकिफ सीनियर अधिकारी सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों का पीछा करते हुए MiG-21 भीषण दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद अभिनंदन नियंत्रण रेखा के उस पार उतरे, जिसके बाद पाकिस्तान में शुरुआती 24 घंटे में अभिनंदन से पाकिस्तान जांचकर्ताओं ने भारतीय सेना की तैनाती, हाई सिक्योरिटी रेडियो फ्रिक्वेंसीज और अन्य संवेदनशील जानकारियां निकलवाने की पूरी कोशिश की थी। जैश ए मोहम्मद के बालाकोट स्थित आतंकी शिविर पर सीमा पार जाकर भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 की तरफ से किए गए हवाई हमले के बाद 27 फरवरी के पाकिस्तान के लड़ाकू विमान ने राजौरी सेक्टर में भारतीय सेना के प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया, जिसकी जवाबी कार्रवाई करते हुए विंग कमांडर अभिनंदन पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की हिरासत में पकड़े गए। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभिनंदन ने खुफिया जानकारी जैसे भारतीय वायुसेना की तरफ से मैसेज भेजने के लिए इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी लड़ाकू विमान की तैनाती और अन्य संवेदनशील जानकारियों के बारे में पूछताछ की गई। जी हाँ दोस्तों, अगली एक और बड़ी खबर है कि शिक्षकों के लिए 200 अंक के रोस्टर पर अध्यादेश लाएगी सरकार। सरकार ने केंद्रीय विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों को आरक्षण के लिए 200 अंक के रोस्टर को लागू करने की खातिर अंततः अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इस फैसले से पिछड़े वर्ग तथा दलित एवं आदिवासी शिक्षकों की नियुक्ति में आरक्षण सुनिश्चित हो सकेगा। इसके अलावा सरकार ने 50 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने का भी निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की गुरुवार को की बैठक में रोस्टर लागू करने के लिए अध्यादेश लाने तथा 50 नए केंद्रीय विद्यालय खोलने के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पत्रकारों को बताया कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले के कारण विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो अधिसूचना जारी की थी उससे पिछड़े तथा दलित और आदिवासी शिक्षकों के आरक्षण में विसंगतियां आ गई हैं और उन्हें कम प्रतिनिधित्व मिल रहा था या बिल्कुल ही नहीं मिल रहा था, इसलिए सरकार ने विश्वविद्यालय को इकाई मानते हुए 200 अंक वाला रोस्टर लागू करने का फैसला किया और इसके लिए अध्यादेश लाने फैसला किया गया। उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने 50 नए केंद्रीय विद्यालयों की स्थापना की सिद्धांत मंजूरी दे दी है। ये अर्ध सैनिक क्षेत्रों तथा उन इलाकों में खोले जाएंगे जहां रेलवे के कर्मचारी हैं और जहां केंद्रीय स्कूल नहीं है। ये स्कूल नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी खोले जाएंगे। उन्होंने बताया कि देश में 12,002 केंद्रीय स्कूल हैं और 3 विदेशों में हैं। 13 अंकों वाली रोस्टर प्रणाली लागू होने से आरक्षित पदों में भारी कमी हो जा रही थी, जिससे उनकी नौकरी से खतरे में पड़ गई थी। यह देखते हुए गत एक साल से शिक्षक आंदोलनरत थे और वे समय समय पर विरोध भी कर रहे थे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को उच्चतम न्यायालय ने बरकरार रखा था,
तब सरकार ने उसे चुनौती देते हुए विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था। इसके बाद मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने इस मामले में पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, लेकिन गत दिनों उच्चतम न्यायालय ने इसे भी खारिज कर दी है। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दो दिन पहले ही पत्रकारों को बता दिया था कि सरकार 200 अंक वाली रोस्टर प्रणाली लागू करेगी और शिक्षकों के साथ न्याय करेगी। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जम्मू में ग्रेनेड हमला, एक युवक की मौत, बस स्टैंड के पास हुआ विस्फोट, 30 घायल, पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर पुलिस ने जम्मू बस स्टैंड पर गुरुवार को ग्रेनेड हमले के कुछ घंटों के बाद कश्मीर के कुलगाम जिले से एक युवक को गिरफ्तार किया और दावा किया कि हमले के पीछे स्थानीय आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन का हाथ है। ग्रेनेड हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 30 अन्य घायल हो गए। जम्मू के पुलिस महानिरीक्षक मनीष कुमार सिंह ने पत्रकारों बताया कि आरोपी की पहचान कुलगाम के यासिर अहमद भट्ट के रूप में की गई है और उसने अपने ही अपनी संलिप्तता कबूल कर ली है। आरोपी ने यह भी कहा है कि उसने हिजबुल के निर्देश पर ग्रेनेड पर हमला किया। उन्होंने बताया कि घटना के तुरंत बाद विशेष टीमों का गठन किया गया है और शहर और उसके बाहरी इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जबकि शहर से बाहर जाने वाले हर वाहन को रोककर जांच की गई। श्री सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शियों से मिली जानकारी के अनुसार जींस की जैकेट और पैंट पहने हुए तथा लाल रंग का एक बैग लिए हुए युवक को विस्फोट के बाद घटनास्थल से भागते हुए दिखाई दिया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि यूपी को मिला 125,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह और उनके मंत्रिमंडल सहयोगी नितिन गडकरी ने गुरुवार को 125,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। सिंह और केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा के आगामी चुनाव से पहले 1.25 लाख करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इनमें 1,10,154 करोड़ रुपए से ज्यादा की 80 सड़क परियोजनाएं भी शामिल हैं। गृह मंत्री ने इस मौके पर कहा, आज इस ऐतिहासिक दिन पर लखनऊ पूरे उत्तर प्रदेश के लिए लखनऊ बन गया है। दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी चाहते थे कि लखनऊ एक विश्वस्तरीय शहर बने। आज जो भी किया जा रहा है वह उनके सपनों को पूरा करेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच इस्लामाबाद के दौरे पर चीन के विदेश मंत्री। जी हाँ, चीन ने बुधवार को ऐलान किया कि पुलवामा आतंकवादी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े तनाव पर चर्चा करने के लिए उसके विदेश उपमंत्री कोंग शुआन्यू इस्लामाबाद में हैं। चीन ने ऐसा माहौल बनाने की जरूरत बताई जिसमें पाकिस्तान अन्य पक्षों के साथ सहयोग कर सके। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लू कोंग ने कहा कि विदेश उपमंत्री कोंग की इस्लामा यात्रा का मकसद भारत और पाकिस्तान दोनों से जुड़े हालात को लेकर पाकिस्तान से संपर्क करना है। उन्होंने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, चीन इस क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता को बढ़ावा देता रहा है। हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान और भारत दोस्ताना संबंध बनाए रखेंगे। तो दोस्तों, इस खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और भारत की वीर सेनाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा रहे, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज़ मिस ना हो।